कहानियों की दुनिया के दोस्तों, मैं किमंतु आपका स्वागत करता हूं आनंद ऋतु की आज की खास पेशकश में, जिसका नाम है सआदत हसन मंटो आज की दुनिया की नजरिए से। आज की इस खास पेशकश के प्रायोजक है पराशर कृषि पर्यटन, हचिको टूरिज्म का अभिनव उपक्रम, महाराष्ट्र की पवित्र संस्कृति का अनोखा रूहानी अनुभव, गढ़ किले पहाड़शील निसर्ग मंदिर, बहती नदी किनारे बसे घाट और ग्रामीण संस्कृति की एक यादगार रूमानी सफर। पराशर कृषि पर्यटन, पुणे से 2 घंटे और मुंबई से 3 घंटे की दूरी पर आपका अपना घर। कुदरती माहौल में अपने परिवार और परिजनों के साथ कुछ सुहाने पल बिताइए। एक परिपूर्ण प्राकृतिक यात्रा के लिए संपर्क कीजिए पराशर कृषि पर्यटन, मुक्काम पोस्ट राजुरी, आले फटाके नजदीक, तालुका जुन्नर, जिला पुणे। लैंडलाइन नंबर 0226561 3161, मोबाइल नंबर 0997051 5438, वेबसाइट www.hachikotourism.in। सआदत हसन मंटो आज उर्दू साहित्य का एक जाना माना नाम है। सआदत हसन मंटो के जीवन के शुरुआती दिन भारत में बीते। देश के विभाजन के बाद वे पाकिस्तान में चले गए। मंटो शायद इस दुनिया के इकलौते ऐसे कहानीकार हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में प्यार और नफरत दोनों एक ही साथ नसीब हुई। 2 साल पहले 2012 मंटो का जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर मनाया गया, फिर भी उनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया। हिंदी में कुछ तो थोड़ा बहुत लिखा गया, लेकिन मराठी और अन्य भाषाओं में न के बराबर ही उनकी बात की गई। फिर भी बड़े अचरज की बात है, कहीं कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया, उनके बारे में किसी से सुनाया नहीं गया, फिर भी जैसे ही उर्दू साहित्य का जिक्र होता है तो पहला नाम जहन में सआदत हसन मंटो का ही आता है। चलिए तो फिर इंटरनेट पे विविध हिंदी पत्रिकाओं में सआदत हसन मंटो के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा गया है और सआदत हसन मंटो ने अपने बारे में जो कुछ कहा और सुनाया है, उसे सुन के उनके बारे में अपनी मालूमात थोड़ी सी बढ़ा ली जाए। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका गौतम संदेश के संपादक बीपी गौतम अपने विशेष लेख में सआदत हसन मंटो के बारे में अपनी पत्रिका में लिखते हैं। 11 मई 1912 को जन्मे सआदत हसन मंटो महज 42 वर्ष की छोटी सी जिंदगी काटकर 18 जनवरी 1955 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी जिंदगी सालों के पैमाने पर भले ही छोटी रही हो, पर असल में लार्जर देन लाइफ थी। उन्होंने उर्दू लेखन को जो ऊंचाई दी, उसे आज भी छू पाना असंभव है। वे खोल दो, ठंडा गोश्त, तोबा टैक्सी और बू जैसी प्रसिद्ध कहानियों के रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। कहानीकार होने के साथ साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखाचित्र के 2 संग्रह प्रकाशित किए। मंटो पर अश्लीलता के आरोप लगते रहे। अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को 6 बार अदालत जाना पड़ा था, लेकिन एक भी बार आरोप साबित नहीं हो पाया। उन पर अश्लीलता का आरोप लगाने वाले शायद उन्हें समझ ही नहीं पाए। उनकी कहानी तमाम अश्लीलता के बावजूद व्यक्ति को चटकारे नहीं लेने देती। व्यक्ति सेक्स के नशे में झूमता हुआ नहीं उठता, बल्कि हर कहानी का अंत पाठक को इस हद तक झिंझोड़ जाता है कि उसे सामान्य होने में घंटों लगते हैं। पाठक को कभी समाज की गंदगी से घृणा होती है और कभी चीख कर रोने का मन करता है। मंटो सच के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वे उसे जस का तस परोसते हैं। बलात्कारी की आंखों की लाली
और उसके मन में चल रहे घिनौने भावों का वे उसी रूप में शब्द चित्रण करते हैं। उनकी कहानी में अश्लीलता देखना कुछ वैसा ही है जैसे स्तनपान कराती माँ को देखकर नियत खराब करना। संवेदनाओं को महसूस करने वाला उन्हें जीने वाला ही ऐसे लिख सकता है, अन्य कोई नहीं। मंटो ने मानवीय संवेदनाओं को जिया है और उन्हें कागज पर उतारा है। जनोक्ति.com पे पूजा शुक्ला सादत हसन मंटो की याद में लिखती है, मंटो अपने तजुर्बे से लिखने वाले लेखक थे जिनकी कहानियों में पतित औरतों की जिंदगियों को बारीकी से समझा है। अपने समय में तो वे लघु कथाओं के सर्वोत्तम लेखकों में से एक थे। उनकी लेखनी में कामुकता की दाग हो मगर उनकी सीधी सपाट बातें मानवीय संवेदना से भरी होती थी। उनके औरतों के चरित्र भी जीवित होकर खुद ही अपनी कहानी बयान करने वाले होते थे। उस समय आज की तरह इतना खुलापन ना साहित्य में था, ना रेडियो पर था, ना पत्रकारिता में था, ना फिल्मों में था। इन तीनों ही विधाओं में मंटो अपना भाग्य आजमा चुके थे और अपने साहित्यिक क्षमता का लोहा मनवा चुके थे। अपने समय से आगे की बात करने को अश्लीलता मिश्रित व्यंग बाणों से कहने की वजह से मंटो कम से कम 6 बार कचहरी का सामना कर चुके थे। 3 बार आजाद भारत में और 3 बार अपने प्यारे शहर मुंबई छोड़ने के बाद पाकिस्तान में। मंटो की कहानियां 1950 के दशक के भारतीय शहरी काम जीवन पर आधारित थी। उनकी स्त्रियां अधिकतर वेश्याएं, दगेबाज स्त्रियां, दलाल, धोखेबाज, अय्याश रीसों से परिपूर्ण रहती थी। उनके मोजिल में एक यहूदी कन्या के दिल फरेबी अंदाज को खोद रही है तो काली शलवार में आज के जिगलों की परिभाषा तैयार हुई। फिर इसी में प्रेम की तलाश में एक वेश्या के अनुभव है जो भारत की फिल्मों में जीवंत हो रही है। 100 कैंडल पावर का बल्ब अनुपम उदाहरण है। अपने छोटे से जीवन काल में मंटो ने लघु कथाएं लिखी जिसमें प्रमुख है बगैर इजाजत, बुरके, फुंदने, सरकंडों के पीछे, शैतान, शिकारी औरतें 1955, रत्ती माशा तोला 1956, ताहिरा से ताहिर 1971, काली शलवार 1961, एक उपन्यास, 5 रेडियो के नाटक, 3 निबंध और 2 चरित्र विन्यास लिखे। मंटो की कलम आज भी प्रासंगिक है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए वे आज भी हमारे समाज का हिस्सा बने हुए हैं। उनका लेखन अतीत की वो विरासत है जिसका संदेश वर्तमान और शायद भविष्य में भी मौलिक रहेगा। संपादक चंदा बारगल अपने ब्लॉग पे सादत हसन मंटो के जन्म शताब्दी के मौके पर लिखते हैं, सादत हसन मंटो उर्दू साहित्य का एक अजरामर नाम है। 11 मई यानी मंटो की जन्म शताब्दी है। मंटो यानी 20वीं सदी के उर्दू साहित्य का एक महान और ख्यातनाम नाम जिसने उस काल के बंद समाज में बिंदास्त होकर ऐसा साहित्य लिखा जो चुपके चुपके और डरते डरते पढ़ा गया। हकीकत में तो मंटो का व्यक्तित्व उसकी जिंदगी के माफिक ही विभाजित था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पीड़ा और जग उनके मन, आत्मा और साहित्य में साफ साफ दृष्टिगोचर होते थे। इसलिए मंटो किसी एक जाति धर्म का रह नहीं गया था। मंटो ता जिंदगी एक इंसान के रूप में ही रहा और इंसानियत की खोज करते करते ही सिधार गया। मंटो का निधन 18 अगस्त 1955 को हुआ, लेकिन उसके कुछ माह पूर्व उसने अपने मृत्यु पत्र में ईश्वर को चुनौती दे दी थी जो इस प्रकार थी, हे जगनियंता, तेरे इस मृत लोक में गुलाम हसन मंटो का बेटा सादत हसन मंटो जो केवल दया का पात्र है उसे दया दे दे। भगवान वह गंदगी व दलदल के मार्ग पर हमेशा खुशबू और रोशनी से दूर भागता रहा। जब सब हंसते थे वो रोता था और जब सब रोते थे तब वो हंसता था। नेति द्वारा चेहरे पर पोती गई कालिक धुलने की उम्मीद और शैतान की सर्वत्र खोज में उसने तुम्हें कभी याद भी नहीं किया, क्या इसलिए कि वह एक लेखक था? मंटो के इस सवाल का जवाब अब वक्त ने ही दे दिया है। 11 मई 1912 को मंटो का जन्म हुआ था और 100 साल बाद भी
विश्व साहित्य मंटो को भूला नहीं है। मंटो का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो चुका है, जिसके तहत मुंबई सहित अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 42 साल की अपनी छोटी सी जिंदगी में मंटो ने करीब 20 साल लेखन किया और 22 कहानी संग्रह, 7 नाट्य संग्रह और 3 लेख संग्रह की साहित्य संपदा की विरासत छोड़ी। मंटो ने पत्रकारिता भी की और आकाशवाणी में भी कार्य किया। विभाजन के पश्चात लाहौर जाने के बाद फिल्मों के लिए चित्रपट कथा भी लिखी। मंटो की चुनिंदा कहानियों के संग्रह का तो नाम ही था मंटो की बदनाम कहानियां। पर जैसा खुद उसने ईश्वर से कहा है कि वह वैसा सुंदर कभी न था। ठंडा गोश्त और खोल दो ये कहानियां आज भी हिला कर रख देती है। टिटवाल का कुत्ता और टोबा टेक्सियां दोनों देशों की सरहदों के बजाय इंसानियत के आकाश का विस्तार चाहती है। मंटो के लेखन को उस काल में भला ही अच्छा न माना गया हो, पर वह मन से पाक साफ था। इतने पाक साफ मन का बदनाम लेखक दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। प्रसिद्ध टीवी चैनल IBN खबर अपनी वेबसाइट पर मंटो की 100वीं जयंती के मौके पर लिखता है, उर्दू के प्रख्यात साहित्यकार सआदत हसन मंटो की 100वीं जयंती पर मुंबई में उनके बिताए पलों को याद करने के लिए कई कार्यक्रम किए गए। पंजाब के समराला में 11 मई 1912 को जन्मे मंटो वर्ष 1940 में मुंबई पहुंचे और यहां उन्होंने 4 से 5 वर्ष बिताए। यद्यपि उनके मुंबई में रहने के बारे में आधिकारिक रूप से कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उनके लेखन पर उनके मुंबई प्रवास की छाया स्पष्ट नजर आती है। वह यहाँ दक्षिण मुंबई के बाइकुला और नागपाड़ा इलाके से जुड़े ग्रांट रोड पर स्थित एक छोटे अंधेरे भवन में रहते थे। उनकी याद में मुंबई प्रेस क्लब और उर्दू मरकज शुक्रवार को अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। केवल 42 साल की उम्र में निधन होने के बावजूद उन्होंने अपनी कहानियों और अन्य विधाओं की रचनाओं से उर्दू साहित्य को समृद्ध किया। अपने 2 दशक के लेखन काल में मंटो ने कहानियां लिखी, फिल्म एवं रेडियो के लिए पटकथा लेखन किया और पत्रकारिता भी की। उनके 22 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 5 रेडियो नाटक, 3 निबंध संग्रह और 2 व्यक्ति संग्रह प्रकाशित है। उनकी प्रमुख रचनाओं में खोल दो, ठंडा गोश्त, बू और टोबा टेक्सियां शामिल है। उन्होंने नूर जहां का व्यक्ति चित्र भी लिखा। उनकी कई पटकथाओं पर बाद में फिल्म बनी, जैसे कि कीचड़, अपनी नगरिया, बेगम, नौकर, चल चल रे नौजवान, किसान कन्या, घमंडी, बेली, मुझे पापी कहो, दूसरी कोठी, शिकार, 8 दिन, आगोश और मिर्जा गालिब। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, मसलन 8 डेज और चल चल रे नौजवान। उनका निधन 18 जनवरी 1955 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। दोस्तों, ये थी सआदत हसन मंटो के बारे में दूसरों ने कही हुई कुछ बातें। अब सुनते हैं सआदत हसन मंटो ने अपने बारे में सुनाई कुछ बातें। सआदत हसन मंटो ने उनकी मीना बाजार किताब में उनके और हिंदी चित्रपट जगत के महान फनकार अशोक कुमार साहब के बारे में एक किस्सा बयां किया है, जो सआदत हसन मंटो के मन, विचारों की सादगी और आत्मीयता को दर्शाता है। इस किस्से का नाम है, अशोक उनका भाई था तो मेरा कौन था? चलिए सुनते हैं। सांप्रदायिक तनाव जोरों पर था। एक दिन मैं और अशोक कुमार बंबई टाकिज से वापिस आ रहे थे। रास्ते में देर तक उसके घर बैठे रहे। शाम को उसने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। शॉर्टकट की खातिर वह मोटर को एक खालिस मुस्लिम मोहल्ले में ले गया। सामने से बारात आ रही थी। जब मैंने बैंड की आवाज सुनी तो मेरे होश गुम हो गए। अशोक का हाथ पकड़कर मैं चिल्लाया, दादा मुनि, यह तुम किधर आ निकले? अशोक मेरा मतलब समझ गया। मुस्कुराकर उसने कहा, फिक्र न करो। मैं फिक्र क्यों न करूं? मोटार ऐसे इस्लामी मोहल्ले में थी जहां से किसी हिंदू का आना जाना हो ही नहीं सकता था। अशोक को कौन नहीं पहचानता था कि वह हिंदू है, एक बहुत बड़ा हिंदू जिसकी हत्या करना
महत्वपूर्ण हो सकता था। मुझको अरबी भाषा में कोई दुआ याद नहीं थी, कुरान शरीफ की कोई वक्त के मुआफिक आयत भी याद नहीं आती थी। मन ही मन में अपने ऊपर लानतें भेज रहा था और धड़कते हुए दिल से अपनी जुबा में अनोखी सी दुआ मांग रहा था, ए खुदा मेरी इज्जत बचाना, ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान अशोक को मार दे और मैं सारी उम्र उसका खून अपनी गर्दन पर महसूस करता रहूं। यह गर्दन कौम की नहीं, मेरी अपनी गर्दन थी, मगर यह ऐसी जलील हरकत के लिए दूसरी जाति के सामने शर्म और रंज के कारण झुकना नहीं चाहती। जब मोटार बारात के जुलूस के पास पहुंची तो लोगों ने चिल्लाना आरंभ कर दिया, अशोक कुमार, अशोक कुमार। मैं बिल्कुल नर्वस हो गया। अशोक स्टीयरिंग पर हाथ रखे खामोश था। मैं आतंक और भय के दायरे से बाहर निकलकर लोगों से यह कहने वाला था, देखो होश की बात करो, मैं मुसलमान हूँ, यह मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहा है। उतने में दो युवकों ने आगे बढ़कर बड़े आराम से कहा, अशोक भाई आगे से रास्ता नहीं मिलेगा, उधर बाजू की गली से चले जाओ। अशोक भाई? अशोक उनका भाई था और मैं कौन था? मैंने अपने पहनावे की ओर देखा जो खादी का था। मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्या समझा होगा, मगर हो सकता है कि उन्होंने अशोक की मौजूदगी में मुझे देखा ही न हो। मोटर जब इस्लामी मोहल्ले से निकली तो मेरी जान में जान आई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अशोक हंसा, तुम बेकार ही घबरा गए, आर्टिस्टों को ये लोग कुछ नहीं कहा करते। तो सुना आपने, ये थे सआदत हसन मंटो, जो इस देश की मिट्टी में कुछ इस तरह से घुलमिल गए थे कि अगर कोई मुसलमान भी उनके सामने आके खड़ा हो जाए तो उसे भी उनके मुसलमान होने का अलग से कोई कतई एहसास ना हो। लेकिन फिर हालात बदले, क्योंकि वो बदलावों का ही दौर था। देश का विभाजन हो गया और सआदत हसन मंटो ने मुंबई छोड़ के लाहौर जाके बसने का फैसला किया। अगर वो भारत में रहते तो मुंबई में उनके कामयाब होने की असीम संभावनाएं थी, पर न जाने वो कौन सी सोच थी जो उन्हें पाकिस्तान ले गई। पाकिस्तान जाने के बाद उनकी दुनिया मानो बदल सी गई। क्या उन्हें पाकिस्तान जाने का कभी कुछ पछतावा हुआ? ये बात समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी भी साफ साफ लफ्जों में इसके बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को उनके पाकिस्तानी होने का जरूर पछतावा हुआ और उन्हें अपने आखिरी साल उस मुल्क में गुजारने पड़े जिसमें वो अपनी जगह तलाशते रहे। मगर क्या वो भारत में रहते तो उनकी ये अपनी जगह की तलाश पूरी हो जाती? इसके बारे में भी यकीन से कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर अश्लीलता या फिर कुछ और आरोप लगाकर जो 6 मुकदमे दायर हुए उनमें से 3 पाकिस्तान में थे और 3 भारत में। वो कहीं भी गए तो उनसे 2 सवाल हमेशा पूछे गए। पहला सवाल था, आप क्यों लिखते हो? और दूसरा सवाल था, आप क्यों कर लिखते हो? आइए सुनते हैं इन 2 सवालों का जवाब सआदत हसन मंटो के अपनी जुबान। सवाल पहला, मैं क्यों लिखता हूं? यह एक ऐसा सवाल है कि मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों पीता हूं, लेकिन इस दृष्टि से मुख्तलिफ है कि खाने और पीने पर मुझे रुपये खर्च करने पड़ते हैं और जब लिखता हूं तो मुझे नकदी की सूरत में कुछ खर्च करना नहीं पड़ता। पर जब गहराई में जाता हूं तो पता चलता है कि यह बात गलत है, इसलिए कि मैं रुपये के बलबूते पर ही लिखता हूं। अगर मुझे खाना पीना न मिले तो जाहिर है कि मेरे अंग इस हालत में नहीं होंगे कि मैं कलम हाथ में पकड़ सकूं। हो सकता है फाका कशी की हालत में दिमाग चलता रहे, मगर हाथ का चलना तो जरूरी है। हाथ न चले तो जबान ही चलनी चाहिए। यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंसान खाए पिए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। लोग कला को इतना ऊंचा रुतबा देते हैं कि इसके झंडे 7वें आसमान से मिला देते हैं, मगर क्या यह हकीकत नहीं कि हर श्रेष्ठ और महान चीज एक सूखी रोटी की मोहताज है? मैं लिखता हूं इसलिए कि मुझे कुछ कहना होता है। मैं लिखता हूं इसलिए कि मैं कुछ कमा सकूं, ताकि
मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं। रोटी और कला का संबंध प्रकट रूप में अजीब सा मालूम होता है, लेकिन क्या किया जाए, खुदाबंद ताला को यही मंजूर है। वह खुद को हर चीज से निरपेक्ष कहता है, यह गलत है। वह निरपेक्ष हरगिज नहीं है, उसको इबादत चाहिए, और इबादत बड़ी ही नर्म और नाजुक रोटी है, बल्कि यूं कहिए चुपड़ी हुई रोटी है जिससे वह अपना पेट भरता है। मेरे पड़ोस में अगर कोई औरत हर रोज खाविन से मार खाती है और फिर उसके जूते साफ करती है, तो मेरे दिल में उसके लिए जरा भर भी हमदर्दी पैदा नहीं होती। लेकिन जब मेरे पड़ोस में कोई औरत अपने खाविन से लड़कर और खुदकुशी की धमकी देकर सिनेमा देखने चली जाती है, और मैं खाविन को 2 घंटे सख्त परेशानी की हालत में देखता हूँ, तो मुझे दोनों से एक अजीब व गरीब किस्म की हमदर्दी पैदा हो जाती है। किसी लड़के को लड़की से इश्क हो जाए तो मैं उसे जुकाम के बराबर अहमियत नहीं देता, मगर वह लड़का मेरी तवज्जो को अपनी तरफ जरूर खींचेगा जो जाहिर करे कि उस पर सैकड़ों लड़कियां जान देती है, लेकिन असल में वो मोहब्बत का उतना ही भूखा है जितना बंगाल का भूख से पीड़ित बाशिंदा। इस बजाहिर कामयाब आशिक की रंगीन बातों में जो ट्रेजेडी सिसकियां भरती होगी, उसको मैं अपने दिल के कानों से सुनूंगा और दूसरों को सुनाऊंगा। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। मेरी हीरोइन चकले की एक टकियाई रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोते में कभी कभी यह डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। उसके भारी भारी पपोटे जिनमें वर्षों की उष्टी हुई नींद जम गई है, मेरे अफसानों का मौजू बन सकते हैं। उसकी गलाजत, उसकी बीमारियां, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गालियां, ये सब मुझे भाती है। मैं उसके मुतालिक लिखता हूँ और घरेलू औरतों की शस्ता कलामियों, उनकी सेहत और उनकी नपासत पसंदी को नज़रअंदाज कर जाता हूँ। सआदत हसन मंटो लिखता है इसलिए कि यह खुदा जितना बड़ा अफसाना साज और शायर नहीं, यह उसकी अजीजी जो उससे लिखवाती है। मैं जानता हूँ कि मेरी शख्सियत बहुत बड़ी है और उर्दू साहित्य में मेरा बड़ा नाम है। अगर ये खुशफहमी न हो तो जिंदगी और भी मुश्किल बन जाए, पर मेरे लिए यह एक तल्ख हकीकत है कि अपने मुल्क में, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, मैं अपना सही स्थान ढूंढ नहीं पाया हूं। यही वजह है कि मेरी रूह बेचैन रहती है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं शराब से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेता। मैं अपनी जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजों की भेंट चढ़ा चुका हूं। अब तो यह हालत है, मैं कभी पागलखाने में और कभी अस्पताल में रहता हूं। मैं समझता हूं कि जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, अगर वो बदपरहेजियों से गुजारी जाए तो भी एक कैद है। किसी न किसी तरह हमें इस जुराब के धागे का एक सिरा पकड़कर उधेड़ते जाना है और बस। सवाल दूसरा, मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं? मेरी जिंदगी में 3 बड़ी घटनाएं घटी है। पहली मेरे जन्म की, दूसरी मेरे शादी की, और तीसरी मेरे कहानीकार बन जाने की। लेखन के तौर पर राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही नजर से देखता हूं। लीडर और दवा फरोशी दोनों पेशे हैं। राजनीति से मुझे उतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से थी। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते थे और मैं अखबार नहीं पढ़ता। दरअसल हम दोनों गलती करते हैं। गांधी जी को फिल्में जरूर देखनी चाहिए थी और मुझे अखबार जरूर पढ़ने चाहिए। मुझसे कहा गया है कि मैं ये बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। यह क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर का अर्थ शब्दकोश में तो यह मिलता है, कैसे और किस तरह। अब आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। यह बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेश नजर रखूं तो यह जवाब दे सकता हूं कि अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूं, कागज कलम पकड़ता हूं
और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरी तीन बच्चियाँ शोर मचा रही होती है, मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनकी आपसी लड़ाइयों का फैसला भी करता हूँ, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूँ, अगर कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, मगर अफसाना लिखे जाता हूँ। अब कैसे सवाल आए तो मैं कहूँगा कि मैं वैसे ही अफसाने लिखता हूँ जिस तरह खाना खाता हूँ, गुसल करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और झक मारता हूँ। अगर यह पूछा जाए कि मैं अफसाना क्यों लिखता हूँ तो इसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे अफसाना लिखने की शराब की तरह लत पड़ी हुई है। मैं अफसाना न लिखूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, या मैंने गुसल नहीं किया है, या मैंने शराब नहीं पी। मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, यूँ तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी है, लेकिन मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यह कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं, जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में न हो तो मैं सिर्फ सआदत हसन होता हूँ, जिसे उर्दू आती है, न फारसी, न अंग्रेजी, न फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई अफसाना निकल आए। कहानीकार बनने की भी बहुत कोशिश करता हूँ, सिगरेट फूंकता हूँ, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता। आखिर थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूँ। अनलिखे अफसाने के दाम पेशगी वसूल कर चुका हूँ, इसलिए बड़ी कोप्त होती है। करवटें बदलता हूँ, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चों को झूला झूलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ, जूते, नन्हे मुन्ने जूते जो घर में यहाँ जहाँ बिखरे होते हैं उठाकर एक जगह रखता हूँ। मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में नहीं उतरता और मैं तिलमिलाता रहता हूँ। जब बहुत ज़्यादा कोप्त होती है तो बाथरूम में चला जाता हूँ, मगर वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं होता। सुना है कि हर बड़ा आदमी गुसल खाने में सोचता है, मगर मुझे तजुर्बे से यह मालूम हुआ है कि मैं बड़ा आदमी नहीं, इसलिए कि मैं गुसल खाने में नहीं सोच सकता। लेकिन हैरत है, फिर भी मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहानीकार हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि या तो यह मेरे आलोचकों की खुशफहमी है, या मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, उन पर कोई जादू कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं गुसलखाने में चला गया। किस्सा यह है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं लाचार हो गया हूँ तो मेरी बीवी, जो संभव है यहाँ मौजूद है, आई और उसने मुझसे कहा, आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं उसके कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है। खुद ब खुद कोई अफसाना उछल कर बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस दृष्टि से कहानीकार नहीं, जेब कतरा समझता हूँ, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता है। मुझ जैसा भी बेवकूफ दुनिया में कोई और होगा? दोस्तों, ये थे सआदत हसन मंटू, अपने आप को बेवकूफ ठहराते हुए उनके अपने नजरिए से। लेकिन उन्होंने कहानियां कुछ ऐसी लिखी कि जाते जाते दुनिया को हमेशा के लिए बेवकूफ ठहरा कर चले गए। आप सुन रहे हैं आनंद ऋतु की खास पेशकश सआदत हसन मंटो दुनिया के नजरिए से। अब समय हो गया है आपसे विदाई लेने का। आप सआदत हसन मंटो की कहानियां आनंद ऋतु की वेबसाइट पर सुनिए और खुद देखिए मंटो को अपनी नजरिए से। आप आनंद ऋतु द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी कहानियां आनंद ऋतु के वेबसाइट पर सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं
अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। अगर आप आनंद ऋतु वेबसाइट के सभासद हैं तो ये कहानियाँ आप अपने ईमेल पे भी पा सकते हैं। ये सुनहरी कहानियाँ आनंद ऋतु के तिलिस्म से सुनते और सुनाते जाइए, जिंदगी में एक नई महफिल जमाते जाइए। फिर मिलेंगे अगले रविवार सुबह 9 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रणाम।